मध्य प्रदेश के सीधी जिले के आदिवासी इलाकों में बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर शिक्षा लेने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पिछले 5 सालों से स्कूल भवन नहीं होने की वजह से बच्चे पेड़ के छांव में पढ़ाई करते हैं। वहीं स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को मिड डे मील भी सही तरीके से नहीं मिलता है। मामला बहरी ग्राम पंचायत के मदरही गाँव का है, जहाँ हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ ग्राम पंचायत ने एक भवन बनवाया है, लेकिन इसे भी 8 महीने पहले गड्ढा खोद कर छोड़ दिया गया। इस भवन को भी सरपंच राशन बांटने के तौर पर इस्तेमाल करता है, हालांकि स्कूल का निर्माण कागजों में हो चुका है। वहीं शिक्षकों का कहना है कि बच्चों को गर्मी में बरसात में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार इस मामले की शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन ने इस मामले पर मौन धारण किया हुआ है। समय तो बहुत हो गया, लेकिन इधर जो मदरही आदिवासी बस्ती है, यहाँ कोई चाहे शिक्षा विभाग हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, यहाँ पर उसका निगाह नहीं आ रहा है। यहाँ से जब से संचालित हुआ है शाला, यहाँ पर ना कोई ना बैठने की व्यवस्था, ना खेलने की, ना पढ़ने की कोई यहाँ व्यवस्था ठीक से नहीं है। खाना क्या मिलता है यहाँ? अच्छा, पानी बरसता है तो क्या करते हो स्कूल में? वहाँ बैठने की व्यवस्था है स्कूल में?